वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सभी उभरती अर्थव्यवस्थाएं मुद्राओं के उतार चढ़ाव से हैं प्रभावित। वित्त मंत्री ने कहा कि घोर निराशा का नहीं है कोई कारण, कहा सरकार की मुद्रा नियंत्रण लागू करने की नहीं है कोई मंशा। सरकार ने आज लोकसभा में बार बार सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करने वाले आंध्र प्रदेश के 11 सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव किया पेश। इनमें कांग्रेस के 7 और तेलुगु देशम के 4 सांसद शामिल हैं। लोकसभा की कार्यवाही आज कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से संबंधित फाइलों के गायब होने के मुद्दे पर हो रही चर्चा के दौरान बार बार हंगामे की वजह से कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष इस मसले पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग पर अड़ा रहा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लगातार विपक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही बाधित किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र और जनता के हित में नहीं है। राज्यसभा में रक्षा मंत्री एके एंटनी ने आज भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक में भीषण अग्निकांड के विषय में बोलते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है। सरकार ने आग लगने की असली वजह का पता लगाने के लिए सभी संबंध विशेषज्ञों के साथ एक जांच बोर्ड का गठन किया है। तेलुगु देशम पार्टी सांसद एन हरिकृष्णा ने तेलंगाना राज्य का विरोध करते हुए राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। राज्यसभा के सभापति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। हरिकृष्णा TDP के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव के पुत्र हैं। BJP के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तेलंगाना के मुद्दे पर कांग्रेस की खिंचाई की है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना मसले पर गुमराह कर रही है। अनिल अंबानी 2G मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश होने के लिए आज दिल्ली की एक अदालत में पहुंचे। उच्चतम न्यायालय द्वारा कल उनकी गवाही की पेशी में उपस्थित न होने संबंधित याचिका पर कोई आदेश न दिए जाने के बाद निचली अदालत ने भी निर्धारित तारीख को बढ़ाने से किया मना। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने रुपए की गिरती कीमत के लिए सरकार की आलोचना। कहा UPA की नीति देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में नाकामयाब रही है और इसका एकमात्र उपाय है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और नई सरकार का गठन हो। सरकार महत्वाकांक्षी नगद अंतरण योजना को लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार मनरेगा जैसी अन्य सभी योजनाओं के साथ इसे संबंध करने पर विचार कर रही है ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। शेयर बाजार में देखा गया।